उसी तरीके से उनको खेलना है और कुछ नहीं। आई डोंट थिंक कि उससे बेहतर उनके लिए कोई और गेम होने वाला है। और मिरामार का हम लोग बाद में बात करेंगे, बट तुमको मैं बोला ना सैनहॉक में सबसे बेस्ट है ये चीज़, सैनहॉक की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है इस वक्त, क्योंकि नोवा तो है, नोवा का रोटेशन कुछ इसी तरीके से चलने वाला है जहाँ तक मुझे फील होता है। बाकी डिपेंड करेगा गॉडलाइक पे कि वो किस तरीके से खेलना चाहते हैं, डिपेंड करेगा घातक भाई पे, डिपेंड करेगा ओशन पे कि वो साम्राज्य को इसमें खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे। अगर खिला रहे तो मैं मानता हूँ तीन में से तीनों में हर बार 10 पॉइंट तो मैं मानता हूँ मिनिमम आने ही वाला है सैनहॉक के मैच में। और अगर 30 मैच खाली तीन मैचों से आ जाते हैं, तीन मैप से आ जाते हैं, तीन सैनहॉक के मैप से आ जाते हैं, तो फिर और क्या ही बात है। चलो एक मैप की हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बार बात कर ली है,